नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा स्पेशल वीडियो मध्य प्रदेश में नर्सिंग, पीएनएसटी, एएनएम और जीएनएम को लेकर के है। तो तीनों के, चाहे वो आपका एएनएम हो, जीएनएम हो या पीएनएसटी 2024 हो, तीनों आपकी वैकेंसियां आई हुई हैं, इनके एग्जाम डेट भी हैं। तो दोनों तरह की बच्चियां परेशान हैं, वो बच्चियां भी परेशान हैं जिन्होंने पीएनएसटी 2022 का एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी लंबे समय से रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हैं। और जो नई बच्चियां हैं, जो पीएनएसटी या जीएनएम या एएनएम का फॉर्म डाल रही हैं, तो वो भी परेशान हैं, क्योंकि इसके सिलेबस में जो है वो परिवर्तन किया गया है और जो एग्ज़ाम का टाइम है वो काफ़ी कम है, लगभग एक माह का समय मिल रहा है यदि हम पूरे समय को लेकर के चलें। तो जो नई बच्चियां जो आपका पीएनएसटी, जीएनएम या एएनएम का फॉर्म डाल रही हैं, वो काफ़ी परेशान है जैसा हमने बताया। और वो परेशानी मुख्य रूप से जो लेकर के है वो आपकी है समान ज्ञान। तो जी हाँ, जीके तीनों में आपका जीके एग्जाम में शामिल किया गया है और 20 नंबर का है ये। और जनरली ये देखा जाता है कि नर्सिंग की बच्चियां जो हैं जीके वगैरह से दूर रहती हैं और एक महीने का समय है, इतने कम समय में वो तैयारी कैसे करें। तो जैसा हमने थंबनेल बनाया है, अरे बाप रे, एक इतने कम समय में जीके या समान ज्ञान की तैयारी कैसे करें। तो आज हर बच्ची ऐसा ही कुछ सोच रही है और बच्चियों में काफ़ी हड़बड़ाहट है और निराश भी हैं काफ़ी बच्चियाँ। तो आज का हमारा ऐसा सब्जेक्ट हमने बताया कि यदि आप ऐसा कुछ आपकी प्लानिंग हो तो आप आराम से एक माह में आप जीके समान ज्ञान का सिलेबस पूरा कर सकते हैं और कम से कम 20 नंबर में आप 15 नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा सब्जेक्ट ही यही है कि समान ज्ञान की तैयारी कैसे करें इतने कम समय में और अधिक से अधिक नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम पहले ले रहे हैं समान ज्ञान, नंबर आपका 20 है। तो समान ज्ञान को हमको मुख्य रूप से तीन खंडों में बांटना है। एक तो आपका करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का मतलब होता है आपका कि जो भी 2024 में, जी हाँ, अगर जनवरी से लेकर के और आपका जून जुलाई तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, कुछ स्थान आपके चर्चित में रहे और कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे कि ओलंपिक आपका चल रहा है, तो कहाँ पे चल रहा है, किस क्रम का ओलंपिक है, ये सभी आपके जो है करंट अफेयर्स में आती हैं। तो इसके लिए आप हमसे भी मैटर मंगा सकती हैं और बाजार में जा करके, बहुत मोटी आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैगजीन आती है आपकी, तो कोई छोटी सी मैगजीन आप ले लें जिसमें मुख्य मुख्य जो चीज़ें बताई गई हों करंट अफेयर्स की, तो उसको आप जो है वो बड़ी जल्दी से पढ़ डालें। रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यदि आपने एक दो बार ध्यान से पढ़ा है तो विकल्प देखते ही आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी। तो खंड एक है आपका करंट अफेयर्स, दूसरा आपका है एमपीजी के, तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, उसको हमने देखा है, तो उसमें एमपीजी के भी आपका सम्मिलित है। और एमपीजी के लिए भी आप कोई बहुत छोटी किताब, बहुत डीपली आपको नहीं जाना है, कोई यूपीएससी या पीएससी की का आपका ये लेवल नहीं है, ये एक बहुत मामूली लेवल रहेगा, तो आपको केवल ऊपर ऊपर पढ़ना है और जो मुख्य मुख्य बातें आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए देखिए, एमपीजी की हम क्या पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हम एमपी का पुनर्गठन, ये एमपी कैसे बना, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आपका है भौतिक संरचना, तो मध्य प्रदेश की जो भौतिक संरचना है उसकी बनावट कैसी है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये देखना है हमको। फिर आपको जलवायु देखना है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो भारत की जलवायु है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की जलवायु भी जो है वो मानसूनी जलवायु है। उसके बाद देखना हमको मिट्टी, तो मध्य प्रदेश में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी कौन सा क्षेत्र है, कौन सी मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयोगी है, ये देखना है हमको। फिर आपका जलप्रपात, तो जी हाँ, मध्य प्रदेश में काफ़ी जलप्रपात हैं, जैसे जबलपुर जलप्रपात हो गया आपका, आपका रीवा में भी जलप्रपात हैं आपके। और आपको कोई मैगजीन आप लेंगे एमपीजीके की,
बहुत मोटी किताब लेना, पतली किताब लेना है, उसमें आपको जलप्रपात की एक सूचियां मिल जाएंगी। तो सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है, या कौन सा जलप्रपात जो है वो किस जिले में है, या कौन सी नदी जो है वो जलप्रपात बनाती है, इतना देखना है आपको। फिर बात कर रहे हैं हम वन की, तो जी हाँ वन, वन से पाई जाने वाले प्रमुख जो फसलें हैं, आपकी जो वनोपज है उनके बारे में देखना है, सबसे अधिक वन किस जिले में है, सबसे वन अधिक कम वन किस जिले में है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आपको रखना है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो जंगली जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। तो कौन सा अभ्यारण्य आपका जो है वो किस जिले में है, खासतौर से हमको ये देखना है, इसी से आपके क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं आपकी कृषि की, तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और प्रमुख फसलें आपको याद रखना है, और कौन